नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये चाइनीज पॉकेट समोसा है दोस्तों। एकदम खाने में बहुत मजेदार है। अभी लॉकडाउन में तो हम इस चीजों को बहुत मिस करते, बाहर जाते नहीं है, पर ये एकदम इजी और आसान तरीके से बनाऊंगी। जो घर की सामग्री होती उससे ही बनाऊंगी। एकदम टेस्टी 101%। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखना है और कमेंट करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और इसके अंदर मैदा डाल देंगे। थोड़ा बचा के रख दूंगी मैदा हल्का सा, और यहाँ पे हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डालना है। थोड़ा नमक हल्का ज्यादा ही डालना है, कम नहीं डालना है, थोड़ा। और यहाँ पर हम लोग ऑयल डालेंगे दोस्तों, सिंपल नॉर्मल वाला 2 चम्मच, क्रिस्पी होने के लिए यानी करारे कुरकुरे। 2 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है मोयन के लिए, नॉर्मल वाला। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे हमारे समोसे पट्टी यानी पॉकेट समोसा एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छा बनेगा लेयर के साथ। अच्छी तरह से पहले ऑयल और नमक को अच्छी तरह से पहले डो बेस आटे को मिक्स कर लेना है। मैदे के आटे को भी मैंने पूरा मिक्स कर लिया हुआ है, और इसका थोड़ा मुझे टाइट डो चाहिए, नॉर्मल वाला नहीं, थोड़ा जैसे गेहूं का आटे का कैसे हम लोग डो बनाते हैं वैसे हम लोग टाइट डो बना लेते हैं। अभी ये हमारा डो हो गया है दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से हमें इसे डो चाहिए। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए डो को सेट करने को रखते, सिर्फ 10 मिनट। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है दोस्तों। अभी हम यहाँ पे डो तो हमारा अभी सेट हो रहा है, अभी हम चाइनीज का मसाला बना ले रहे हैं। चाइनीज बना रहे हम तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच जैसा ऑयल डाल दूंगी, और ऑयल थोड़ा कम ही डालना है, हमें ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, बहुत कम डालना है, क्योंकि हम इसकी स्टफिंग बना रहे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, घर पे बनाना है प्लीज, और कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा ये रेसिपी शेयर करना है। इसकी वजह से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन भी है तो ये खाने में हम बहुत मिस करते हैं। बाहर का खाना तो खा नहीं सकते, तो आप घर पे ही बना के खा सकते हो, एकदम टेस्टी और बहुत अच्छा। अभी यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अभी यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो यहाँ पे हमने लहसुन की कलियां ले, 10-12 कलियां लेना है, क्योंकि चाइनीज बनाते हैं तो इसमें लहसुन ज्यादा रहता है हमारा। और इसको अच्छी तरह से बारीक चॉप करके रखना है। आप बारीक चॉप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसको मिक्सी जार में भी इसको निकाल सकते हो, पर ज्यादा से मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें बारीकी चॉप करना है। इसके साथ मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, वो भी मैंने ऐसे बारीक चॉप करके रखा है 1/2 इंच। लहसुन और अदरक ज्यादा ही चाहिए, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है खाने में। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च कटी हुई वो भी डाल देंगे, तीखी वाली, और गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है क्योंकि हम मसाला बना रहे हैं पहले। भी यहाँ पर हम लोग शिमला मिर्च ऐड करेंगे, आधी बारीक चॉप किया हुआ है। गाजर, गाजर आपके हिसाब से कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं दोस्तों। कैबेज, मैंने आधी कैबेज दी थी, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्के से पहले क्या करना है, सॉफ्ट कर लेना है। भी हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद हमें इसके आगे की सामग्री डालनी, देख रहे हो एकदम परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है। अब इसके साथ हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है हमें। और ब्लैक पेपर, इसको मैंने फुट ली हुई ब्लैक पेपर थोड़ा ज्यादा ही डालना है, 1/2 चम्मच डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से ऑयल थोड़ा कम चाहिए, ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए दोस्तों, मैं हर बार इसलिए बताती हूँ कि स्टफिंग हम कर रहे हैं इसीलिए। अभी इसको हमने ये हो गया, अभी यहाँ पे हम लोग सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच, चिल्ली सॉस 1 चम्मच, ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच, सब 1 ही चम्मच डाल देना है। यहाँ पे मैंने अजीनामोटो नहीं डाल रही क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आपको पसंद होगा अजीनामोटो तो आप डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे डालने वाली नहीं हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग प्याज डालेंगे, यानी हरी पत्ती का प्याज आता है वो डाल दूंगी मैं। ये तो पहले चाहिए, इसकी सेहत तो हमारी चाइनीज समोसा अच्छा बनेगा ही नहीं, तो ये मेन चाहिए। अभी हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है दोस्तों,
परफेक्ट, सुगंध बहुत बढ़िया आ रही है। अभी इसको हम लोग गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने को रख देते हैं। हमारा 10 मिनट हो गया, हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, यानी आपको करने में भी आसान तरीका होगा और खाने में भी मजा आएगी। तो यहाँ पे हमको डो को थोड़ा चिकना बना लेंगे। आधा चम्मच जैसे मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा डो एकदम अच्छे सॉफ्ट हो गया है। जितना ये डो सेट अच्छी तरह से होता है दोस्तों, अपनी वो जो पट्टी होती है समोसा पट्टी बहुत अच्छी बनती है इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपको कितनी लेयर की करनी है उतनी करना है इसी तरह से। अभी हम चकला ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने चकला ले लिया, यहाँ पे डो भी ले लिया, इसको अच्छी तरह से मल लेंगे एकदम अच्छी तरह से गोल पेड़े के जैसे इसी तरह से। और यहाँ पे मैंने सूखा डो जो बचा के रखा था वो इसके अंदर डस्ट करेंगे, हल्का सा एक ही बार डस्ट करना है और रोटी की जैसे अच्छी तरह से उसको बेलते जाना है। ये मेन होता है दोस्तों, ये अच्छा आ गया ना आपको तो बस। इसे बाहर मार्केट में तो रेडीमेड पट्टी मिलती है, पर ये पट्टी बनाओगे घर पे तो जरा टेस्ट में बहुत फर्क आएगा और अच्छी लगती है। तो इसी तरह से हम पतली रोटी बेल लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने रोटी की जैसे बेल लिए दोस्तों, एकदम पतली वाली देख रहे हो, जैसे हमारा फुल्का होता है वैसे ही करना है। मैं निकाल के बता रही हूँ आपको इसी तरह से बाकी के सारी हम इसे बेल लेते हैं। मैंने सारी रोटियां बेल लिए दोस्तों, देख रहे हो इसी पतली तरह से। अभी एक हम थोड़ा साइड रख लेते हैं और एक एक रोटियां ले लेते हैं इसी तरह से। और यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा ऑयल थोड़ा ज्यादा ही डालना है दोस्तों। इससे क्या होगा, जब हम समोसे की पट्टी बनाएंगे यानी सेकेंगे तवे पे तो इजीली निकल जाना चाहिए, तो थोड़ा ऑयल थोड़ा ज्यादा चाहिए। ऑयल में थोड़ा भी चिंगुसपन करना नहीं है, तो आप थोड़ा ऑयल कम लगाओगे यार इतना ऑयल तो फिर निकलेगी नहीं पट्टी, इस बात का आपने ध्यान देना है। अभी यहाँ पे हम हल्का सा डो छिड़क लेंगे मैदे का, स्प्रिंकल कर लेना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे और एक रोटी रखेंगे, एकदम परफेक्ट रखना है दोस्तों, आड़ा टेढ़ा नहीं रखना है। और इसमें और ऑयल डालेंगे हम, इसी तरह से। आप हाथों से भी कर सकते हो, ब्रश नहीं होगा तो, पर थोड़ा ऑयल ज्यादा ही चाहिए। ये पट्टी बहुत अच्छी बनती है, कभी भी आपको बनाना हो तो इसे पट्टी बना लेने की और फ्रिज में रख देने की, पॉलिथीन में, ये एक हफ्ते आराम से चल जाती है। कभी भी कुछ बनाना हो तो पट्टी लिया यानी समोसे का, तभी भी आप कुछ भी बना सकते हो दोस्तों। तो इसको हम लोग, सॉरी मैं भूल गई डस्ट करने के लिए, इसी तरह से हम लोग सारी पट्टियां हम इसे कर लेते हैं। इसी तरह से सारी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सारी रोटियां एक पे एक कर ली है दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे थोड़ा सूखा डो लगा लेंगे, यानी हल्का सा हम लोग बेलेंगे, हल्का सा ही बेलना है, ज्यादा नहीं बेलना है दोस्तों। और आगे पीछे कर लेना है, यानी हमें बेलने में आसान तरीका हो जाएगा। सूखा डो हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, वो हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज्यादा प्रेस हमें करना नहीं हो, चकली को ही घुमा लेना है। मैंने यहाँ पे 6 रोटी का लेयर ली थी इसी तरह से। अभी हम इसको तवे पे रखेंगे, और यहाँ पे हमें तवा ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, नॉर्मली गर्म चाहिए दोस्तों। तो आप बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो हमारी बनेगी नहीं अच्छी तरह से समोसा पट्टी, हल्का सा ही हमें गर्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है बस। थोड़ी बबल्स आने के बाद ही इसको हम लोग पलटी करना है, और इजी तरीका है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको लगा यार इतना लंबा प्रोसेस, कोई बात नहीं, नहीं होता है दोस्तों। तो अभी थोड़ा इसके बबल आने के बाद हम इसको पलटी करते हैं। अभी देख रहे हो छोटी छोटी बबल्स आ रही है, इसके बाद अभी इसको पलटी करना है, बबल्स आने के बाद ही। वाव, अभी हम यहाँ पे गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, फास्ट नहीं रखनी है, इसको ऐसे दबाते जाना है हल्के हल्के हाथों से।
अभी हम गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे खाली तवा गरम चाहिए हमें, ज्यादा गरम नहीं चाहिए, खाली उसकी जो स्टीम होती है वाफ वो लगनी चाहिए अंदर अंदर रोटी के अंदर। हल्के से प्रेस कर लेना है, इसको पलटी करेंगे, देख रहे निकलने में बहुत आसान तरीका हो जाती है। जितना आप ऑयल अच्छी तरह से लगाओगे ना दोस्तों, यह उतना ही एकदम अच्छी तरह से हमारी समोसा पट्टी बनेगी। ये समोसा पट्टी आपकी अच्छी बन गई ना, बस देख रहे हो इसी तरह से। अभी इसको ठंडा होने के बाद निकालेंगे एक एक पट्टियां। अभी यहाँ पे ठंडा हो गया, हमें ज्यादा भी ठंडा नहीं चाहिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो एकदम हमारी रोटी एकदम कड़क जैसी हो जाएगी। तो हल्का सा गर्म होने के बाद ही निकालना, ज्यादा भी ठंडा नहीं, हल्का सा, देख रहे हो जिसके एकदम इजी तरीके से निकल जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से निकालना है दोस्तों, ऑयल लगाने का तरीका ही ऐसा होता है। देखो एकदम इजी आसान तरीके से निकल रहा है ये, खाली इसको एक वाफ होनी चाहिए, देख रहे हो मेरे हाथों का पूरा क्लियर दिख रहा है। इसे सारे रोटी हम ऐसे निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे सारी रोटी मैंने निकाल ली है, देख रहे हो इसी तरह से। अभी इसको थोड़ा साइड लेके चकला ले लेते हैं। अभी हम नाप का निकालने वाले हैं। अभी इसको हम लोग तीन तीन रोटी में रखूंगी इसी तरह से। ओके, ऐसे मैं यहाँ पे एक मैं जो पेपर मैंने मेरा काम का पेपर है, ऐसे 2 इंच और ऐसे 6 इंच पेपर, और बता दूंगी कि इस माप से आप करोगे ना दोस्तों तो आपको एकदम परफेक्ट, यानी एकदम परफेक्ट समोसा आएगा, ऐसा लगेगा इनके बाहर का। ऐसे हमें 2 इंच चाहिए ये वाला, और ऐसे हमें 6 इंच चाहिए। और बड़ा समोसा करना हो तो यहाँ पे हमें 3 लेना है और यहाँ पे 9 लेना है, बड़ा समोसा करना हो तो, और छोटा चाहिए तो ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रखेंगे, देख रहे हो इसी तरह से। पहले मैं यहाँ पे लाइन, इसी तरह से करना है, और इसको हम लोग, और ये जो बाकी की पट्टी बची है ना दोस्तों, ये वाली मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली, ये इसको बाद में फ्राई करके भी खा सकते हो, तो इसको डालना नहीं है। मैं ये भी बता दूंगी आपको, इसको थोड़ा साइड रख लेती हूँ मैं, पहले एक ही पट्टी बना लेती हूँ मैं। इसी तरह से, ओके, ये बन गई हमारी। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसके ऊपर ही रख लेना है। इसको ऐसे, देखो कितनी सारी पट्टी हमारी हो गई है, और मैं ऐसे बाकी के सारे ही कट कर लेती हूँ दोस्तों। कितनी सारी पट्टियां हो गई हमारी, बहुत सारी, आपको जितना लगा उतना लेके करके सकते हो, नहीं होगा तो आप इसको एक पॉलीथिन में रख के फ्रिज में रख देना है, कभी भी काम में ये पट्टियां आ जाती है हमारी। ओके, तो इसे मैंने रख दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मैदे का आटा लिया था, इसमें सिर्फ पानी डाला दोस्तों, बाकी कुछ डाला नहीं, बताना मैं भूल गई, मैंने पहले ही करके रख दिया था। 1 चम्मच मैदा लिया था और इसमें 2 चम्मच पानी डाल के इसका ऐसे मैंने फाइन पेस्ट बना लिया, क्योंकि ये पट्टी हमें चिपकानी होती है इसीलिए। अब इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। और जो मैंने चाइनीज का लिया था वो पूरा ठंडा हो गया है, और ठंडा होने के बाद ही हम इसका स्टफिंग भरना है, गरम गरम भरना नहीं। अब इसको भी हम लोग थोड़ा साइड रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक पट्टी ले लेते हैं इसी तरह से, देख रहे हो, और इसी तरह से इसको ऐसे रखना है स्क्वायर में। अभी यहाँ पे हम लोग 1 चम्मच जैसा हम लोग स्टफिंग डालेंगे चाइनीज वाला। प्लीज़ घर पे करना है दोस्तों, अभी लॉकडाउन भी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसके अंदर मैगी भी डाल सकते हो, ऑप्शन दे रही हूँ, जो आपको चाहिए आलू की सब्जी या वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको हमने ऐसे रख दिया हुआ है, देखो मैं कैसे बना रही कर रही हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग मैदा ले लेंगे, मैं हाथों से इसको चिपका लूँगी, हाथों से क्या होता है अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें लेना है परफेक्ट,
इसी तरह से इसको भी हम लोग मैदा का पेस्ट लगा लेते हैं, यानी ये चिपक जाएगा और हमें फ्राई करने में एकदम आसान तरीका हो जाएगा। अभी ये पार्ट लेना है, थोड़ा खींच के ही लेना है, यानी हमारा जो स्टफिंग निकलेगा नहीं। इसी तरह से देखा दोस्तों कितना आसान तरीका, अभी हम लोग घर पे ही बनाएंगे। इसी तरह से आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं और बाहर का खाना आप खाओ भी मतलब याद भी नहीं करोगे, घर पे एकदम अच्छी तरह से और एकदम हेल्दी बनाओगे। देख रहे हो परफेक्ट। और एक बार बताओगी, और एक साइड रख देती हूँ मैं, और एक लेके बता देती हूँ कि ये मेन चीज होती है, इसको ऐसे रखना है और इसको हमें ऐसे रखना है स्क्वायर में। यहाँ पे स्टफिंग डालना है, स्टफिंग आप कौन सा भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं मैंने जो डाला आपने वो। यहाँ पे मैं चाइनीज समोसा करी तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही स्टफिंग बनाया हुआ है। इसको एकदम परफेक्ट लेना है और इसको हमें ये पार्ट वाला लेना है इसी तरह से। और यहाँ पे हम लोग मैदा ले लेंगे, है ना, बहुत इजी और आसान तरीका है दोस्तों। ये पार्ट ले लेंगे, अपोजिट लेना है हमें, सेम सेम नहीं लेना है। अभी ये पार्ट लेंगे, मैदा लेना है, चिपका लेना है, और भी ये पार्ट लेना है। परफेक्ट, जो भी होगा हमारा खुला वहां पे हमें ऐसे लगा लेना है पेस्ट। बाकी की सारी हम ऐसी कर लेते समोसा पट्टी। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया मैंने एकदम पॉकेट समोसा, इसी एकदम आसान तरीका है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे, हम लोग चेक करेंगे ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हुआ क्या नहीं। परफेक्ट गर्म। और यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो ही चाहिए दोस्तों, फास्ट नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान देना है। मैं अभी निकाल ली तो गर्म ऑयल हो गया है। इसी तरह से अभी हम इसको फ्राई करेंगे। एक एक समोसा यहाँ पे पॉकेट समोसा हम यहाँ पे डालेंगे, चाइनीज पॉकेट समोसा। तो धीमी आंच पे इसको हमें फ्राई करना है, फास्ट आंच पे इसमें करना नहीं है। और यहाँ पे तुरंत टच करना नहीं है हमें, थोड़ा बबल हल्की कम होने के बाद इसको टच करना है इसी तरह से, और हल्के हाथों से करना है दोस्तों बस। अभी आप कभी करना हो, अभी आपको कभी आपके इधर मेहमान आए, अभी आपको शाम को खाना हो, तो अभी ये करके ऐसे रखना है और फ्रिज में रख देना है, कभी भी फ्राई करके आप ये खा सकते हो दोस्तों। अभी इसको हल्के से पलटी कर लेते हैं और धीमी आंच पे हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करना है, यानी एकदम क्रिस्पी एकदम परफेक्ट होते हैं। इसी तरह से तो इसको कलर आने तक इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है इसीलिए। अभी देख रहे हो धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है दोस्तों, ये एकदम दिख रहा है इसी तरह से। और ये ऊपर आ गया तो हमें समझे हमारे पॉकेट समोसे यानी चाइनीज पॉकेट समोसे एकदम करारे बनने वाले हैं। अभी हल्के हल्के पलटी करेंगे इसको इसी तरह से। इसको थोड़ा गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करना है। देखिए कलर कितना एकदम चेंज हो रहा है इसका, लग रहा है ना चाइनीज समोसा। अब इसको धीमे ऐसे बीच बीच में उलट पुलट उलट पुलट करते जाना है, यानी ये सब जगह हमारे एक जैसे ही कलर आते जाएगा, संभाल के करना है। अभी ये हमारा हो गया है, देख रहे हो बबल भी थोड़ी कम हो गई है। अभी ये जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये अपना अपना आप कलर चेंज होते जाएगा, ठंडा होने के बाद कलर इतने अच्छी तरह से हो जाएगा। तो बाकी के सारी ऐसे निकाल लेते हैं। देखा ये बचा हुआ था, मुझे कमेंट आई थी मैंने जैसे समोसा पट्टी बनाई थी ये मैम क्या करना है। अभी इसको भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ये एकदम अच्छा लगता है कुरकुरा पापड़ के जैसा। इसी तरह हम लोग सब पट्टियां ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गया, देखो इतना परफेक्ट पापड़ के जैसे है ना। ये ऑयल थोड़ा भी पिएगा नहीं दोस्तों, एकदम कड़क ऑयल में। तो इसे बाकी ये सारे ऐसे ही कर लेते हैं। देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया मैंने चाइनीज पॉकेट समोसा, अभी एकदम इजी मैं आपको लेके बता रही हूँ। देखो कितना परफेक्ट और करारे, मैं तोड़ के भी बताओगी आप आवाज। आहा मस्त, एकदम करारे हो गए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने मेरे हाथों से छूट जा रहा है।
एकदम करा रहे हैं ना इसी तरह से, तो मुझे लग रहा है आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगा। तो जितना होगा उतना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।